पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है بني التي عليكم فضلتكم على العالمين بني इसराइल मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए और ये कि मैंने तुमको अहल आलम पर फजीलत बख्शी ला और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और ना उससे बदला कबूल किया जाए और ना उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين और जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहिम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे अल्लाह ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाई हो अल्लाह ने फरमाया कि हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अम्न पाने की जगह मुकर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों और एहतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير اور إِبْرَاهِيمَ ابراہیم نے دعا کی کہ اے اس جگہ کو امن کا شہر بنا और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोजे आखिरत पर ईमान लाए उनके खाने को मेवे अता फरमा तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर मुतमद करूंगा मगर फिर उसको अजाब दोजक के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा और वो बुरी जगह है ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا إن ऐ हमको अपना फरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना मोती बनाते रहियो और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है थैंक यू फॉर कॉलिंग ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क के कोने कोने में अपना तलीमी जाल मरबूत करते हुए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने तलबा वालबात और, और ट्यूटर्स के मसाइल के हल दुरुस्त मालूम की फरहमी यकीनी बनाने के लिए कॉन्टेक्ट सेंटर कायम किया है कॉन्टेक्ट सेंटर में सपोर्ट पोर्टल और कॉल सेंटर की सहूलियात मैसर हैं अब आप कॉल सेंटर में फिर से हफ्ता दफ्तरी औकात में हमारी हेल्पलाइन सिफर पाँच एक एक दो चार छः आठ पर कॉल करके ए आई ओ यू की खसूस नुमाइंदा ऐसी बात करते हुए यूनिवर्सिटी में एडमिशन एग्जामिनेशन बुक्स डिलीवरी रीजनल सर्विसेज, ट्यूटर सपोर्ट आगाही एलएमएस या फिर यूनिवर्सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की मालूम या शिकायत दर्ज कर सकते हैं इंटरनेट पर मौजूद गैर और गैर मैारी सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट्स से इंफॉर्मेशन लेने की बजाय आप हमारी हेल्पलाइन पर करें इसके अलावा यूनिवर्सिटी के हवाले से ए आई ओ यू की खसूस सपोर्ट पोर्टल सपोर्ट डॉट ए आई ओ यू डॉट ई डी यू डॉट पी के आरोप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके घर बैठे अपने मसाइल का हल जान सकते हैं स्टूडेंट्स असल मैं डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एजुकेशना इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ आज का प्रोग्राम कोर्स कोर्स सिक्स फोर जीरो सेवन क्लास रूम असमेंट से मुतिक है आज के प्रोग्राम में हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मतलब गुफगू करेंगे जो कि यूनिट नंबर टू से बिलोंग करता है और आज का प्रोग्राम यूनिट नंबर टू से पार्ट थ्री है बेसिकली और इस प्रोग्राम में हम पहले uh, जाहिर है हमारा फोकस तो टेबल ऑफ स्पेसिफ़िकेशन है लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इससे पहले जो डिस्कशन की है यूनिट नंबर टू से वो ब्लूम टेक्सोनोमी से रिलेटेड थी और सोलो टेक्सोनोमी से रिलेटेड थी तो डेफिनेटली चूंकि ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी उनके साथ लिंक करता है तो आज का प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि आप इन तीनों चीज़ों को लिंक कर पाए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर जहारा शम्स हैं डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर साहब जो है वो दरसो तदरीस के साथ काफ़ी सालों से वाबस्त है और तीन यूनिवर्सिटियों से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और असेसमेंट की एक्सपर्ट मानी जाती हैं तो डॉक्टर साहब मैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के ऊपर जाने से पहले हमारे स्टूडेंट्स को ज़रा ये बताएं कि क्लासरूम असेसमेंट से क्या अरादा है और उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं क्लासरूम असेसमेंट ना बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है फॉर्मेटिव uh, एवेल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है और uh, ये टीचर्स को इस काबिल बनाता है कि वो ये जान सकें कि स्टूडेंट्स uh, ने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद हाँ तक अचीव किए हैं अब आगे ये कि इसके uh, चूँकि एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जैसे सबसे पहले ये डिटरमिन करना ज़रूरी है कि टेस्ट का पर्पस क्या होगा फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की प्रेप्रेशन है इसके बाद ये सेलेक्ट करना कि असेसमेंट टास्क कौन से होंगे डिटर्मन किया जाता है फिर रेलिवेंट जो टास्क हैं वो तैयार किए जाते हैं इसके अलावा टेस्ट को असम्बल किया जाता है अप्रेज़ल ऑफ़ द टेस्ट है एडमिनिस्टर करते हैं अप्रेज़ल आता है और फिर रिज़ल्ट को इस्तेमाल किया जाता है अच्छा डॉक्टर साहब आपने लफ्स दो बोले हैं एक सिलेक्शन और एक प्रेप्रेशन इनमें भी कोई फ़र्क होता है जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो फिर सिलेक्शन के फेस पे हमने ये सेलेक्ट करना है कि हमने असेसमेंट के लिए टास्क कौन से इस्तेमाल करने फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइप होगा या ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे या मैचिंग आइटम्स होंगी और जब प्रपेशन की बात है तो देन फाइनली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टास्क लाइक इफ यू हैव डिसाइडेड टू यूज द मैचिंग टाइप टेस्ट देन एट दिस स्टेज यू यू विल विल डिसाइड द मेक द असेसमेंट टास्क ऑफ मैचिंग टेस्ट आइटम्स अच्छा आपने ये जो भी स्टेप्स बताए हैं क्लासरूम असेसमेंट के इसमें आपने असेंबलिंग का वर्ड भी यूज़ किया है तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए ज़रा बता दें कि क्लास रूम असमेंट के स्टेप्स में असम्बलिंग से क्या है असम्बलिंग जो है वो बड़ा अहम टास्क है जो यूजली इसको कंसिडर नहीं किया जाता इग्नोर कर दिया जाता है असम्बलिंग में चंद चीज़ें जो आती हैं जैसे आपने अब इस स्टेज पे टेस्ट आइटम्स को रिकॉर्ड करना है देन आपने उनको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ टॉपिक कि एक टॉपिक के आइटम्स जो हैं वो आप उनको इकट्ठा कर दें इसके अलावा इसमें यह चीज़ की जाती है कि आप डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली भी आइटम्स को अरेंज करते हैं जैसे कोशिश की जाती है कि ईजी आइटम्स से स्टार्ट लिया जाए और फिर ग्रेजुअली आप डिफ़िकल्ट आइटम्स की तरफ जाएँ तो संबलिंग जो है उसमें ये चीज़ें आती हैं अच्छा डॉक्टर साहब अब आप हमें ये बताएं स्टूडेंट्स को हमारे कि यह टेबल ऑफ़ स्पेसिफिकेशन क्या होता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है इसको आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये एक गाइड की तरह होता है एक मैप की तरह होता है टेस्ट मैप जो कि टीचर को ये गाइड करता है कि उसने किस चीज़ से किस चीज़ को असेस करना है कौन सी आइटम इस्तेमाल करनी है टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है और इसको ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है इसके अलावा इसको टू वे चार्ट भी बोला जाता है टू वे चार्ट इन देंस के एक साइड पे ये आपको ये बता रहा होता है कि आइटम्स जो हैं वो कौन सी होंगी उनकी तादाद कौन सी होगी टॉपिक कौन से कवर होंगे और एक साइड पे ये आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बता रहा होता है तो ये एक टू वे चार्ट है जो आपको इन चीज़ों के दरम्या एक कोऑर्डिनेशन बना के आपको दिखाता है कि ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से टेस्ट जो है वो तैयार होगा डॉक्टर तो साहब आपने बड़ा अच्छा आपने बताया कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टू वे है एक साइड पे आपने बताया कि यूनिट्स आ सकते हैं टॉपिक्स आ सकते हैं और दूसरी साइड पे आपके ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम्स जिनको हम ब्लूम टेक्सोनोमी पे नॉलेज कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस और सेंथिस के नाम से भी जानते हैं और वेल्यूशन के नाम से तो अब ये ये इतना अहम क्यों है बनाना है? इसको अगर ना भी बनाएं और टेस्ट बना दें तो क्या फ़र्क पड़ता है देखिए ये इस तरह से अहम है एक तो ये टीचर को ये डिटरमिन टीचर कर पाता है कि उसने जो चीज़ें कवर करनी थी जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं और ये उन ऑब्जेक्टिव्स को टीचर ने टारगेट किया है या नहीं एक तो टीचर को ये हेल्प करता है कि ये ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है दूसरा वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आपने असेसमेंट का हमेशा कोई पर्पस होता है उसकी बेसिस पे आपने कुछ डिसीजन करने होते हैं ये डिसीजन बहुत अगर शॉर्ट टर्म्स में अगर आप देखें तो ये डिसीजन ये भी हो सकता है कि अब क्या स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ करके एक पैराग्राफ को एक आइडिया को उसमें बयान कर सकता है या नहीं कर सकता तो इस तरह टीचर को एक तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है उसमें आप डिफरेंट चीज़ों को स्पेसिफाई uh, कर देते हैं तो वो आप देख लेते हैं कि आपने उसकी कितनी आइटम्स बनाई थी और उस आइटम को अगर स्टूडेंट करेक्ट कर देता है तो वो आपको होता है कि ये मैंने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया इसके अलावा ये कंटेंट वैलिडिटी आपको अचीव करने में मदद करता है आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें जो हैं वो कंटेंट वैलिडिटी है या नहीं इसके अलावा इसके मकासद में आप ये कर सकते हैं कि ये आपको एक और सिस्टमेटिक तरीका प्रोवाइड कर देता है ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप हर चीज़ को जो कि इम्पोर्टेंट है जिसको आपने टारगेट करना है आप उसको टारगेट कर सकते हैं अच्छा डॉक्टर साहब आपने एक लफ्स बोला कंटेंट वैलिडिटी वैसे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे कि वैलिडिटी से क्या मरादा है और उसकी टाइप्स हैं तो ये जैसे आपने अभी बोला कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कंटेंट वैलिडिटी भी इंश्योर करता है तो ये कंटेंट वैलिडिटी क्या है ज़रा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बता दें कॉन्टेंट वैलिडिटी ये है कि कंटेंट uh, की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको रिप्रेजेंटेशन दे देता है तो ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि जो चीज़ आपने डिलीवर की है जो आपने पढ़ाई है वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थी आ, और आपने उसी की असेसमेंट की है या नहीं की hmm. तो वो आप जब यूनिट्स के नाम लिखेंगे उसके अंदर आइटम्स लिखेंगे तो डेफिनेटली कंटेंट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी सही है अच्छा डॉक्टर साहब दोबारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे आते हैं इसके कितने पार्ट्स हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिवस इसमें डिफ़ाइन किए जाते हैं लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाता है इसके अलावा नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो डिसाइड होती हैं टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो होते हैं और परसेंटेज और नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं इन चीजों पर मुश्तमिल होता है तो चार से पांच आपने इसके वो चार अच्छा तो इनको कोई प्रोसीजर है कोई स्टेप्स हैं अगर हमने एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना हो तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हम एक अच्छा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लेंगे सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि हमने टॉपिक्स कौन से कवर करने उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि उसमें आइटम्स जो हैं वो कितनी आएंगी फिर उसके बाद आपने परसेंटेज को डिसाइड करना है कि आपने परसेंटेज डिसाइड करनी है कि आप किस टॉपिक को कितनी परसेंटेज देना चाहते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने उस परसेंटेज के साथ ये एनालिसिस करना है कि अब आप, मतलब आपने ये डिसाइड करना है कि टोटल आइटम्स कितनी होंगी उस स्पेसिफ़िक टॉपिक के लिए तो उसका एक तरीका कर ये भी हो सकता है कि आप परसेंटेज को जितनी आपने टेस्ट में आइटम्स रखनी है उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी वो आपको बताएगी कि आप इतनी आइटम्स जो है ना वो इस टॉपिक के लिए स्पेसिफाई कर लें इसके बाद फिर ये भी एक आपको करना होता है कि आपने ये डिसाइड करना है कि अब आपने किस ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज देना है तो इसका एक तो इसमें यह है कि टीचर का इस पर भी डिपेंड करता है कि टीचर ने उसको कितने घंटे पढ़ाया है कितने दिन उस टॉपिक पे लगाए हैं ये एक चीज़ भी कंसीडर करनी होती है और दूसरा ये कि टीचर की इस पर भी डिपेंड होता है कि टीचर उसको कितनी इम्पोर्टेंस देता है तो वो इम्पोर्टेंस ज़ाहिर है बेसलेस नहीं होती अच्छा ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी कितनी आइटम्स हों टेस्ट के अंदर और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो टॉप आपके न, जैसे आपने ख़ुद भी बताया कि जो आइटम्स हैं या टेस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो नॉलेज की कितनी हो कंपनी की कितनी हो एप्लीकेशन की कितनी हो या सिर्फ एप्लीकेशन तक ही रहना है या एनालिसिस के कितने आइटम्स ऐड करने हैं सेंथिसिस के कितने करने हैं एवेल्यूशन के कितने आइटम ऐड करने हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स जो ऐड करने हैं टेस्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेंट ये तीन मैंने सवाल कर दिए हैं बेसिकली आपसे नंबर एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ कि टोटल आइटम्स इन अ टेस्ट कितने होने चाहिए ठीक है दूसरा ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स शामिल करने चाहिए और इसी तरह कंटेंट के हवाले से भी कितने आइटम्स शामिल होने चाहिए सब पहले तो, तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है इसको डिसाइड करने के लिए आपने ये देखना है कि आपने किस क्लास के किस ग्रेड के स्टूडेंट का आपने टेस्ट बनाना है उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि आपके पास टाइम कितना है टेस्ट लेने के लिए आपके पास एक घंटा है आपने आधे घंटे में टेस्ट लेना है या थ्री आवर्स का आपका कोई टेस्ट होगा इसके बाद स्टूडेंट का एज लेवल भी मैटर करता है कि किस एज के बच्चे जो हैं वो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन उनका कितना है और वो कितना कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें देखनी है फिर ये भी देखना है कि किसी स्पेसिफिक चीज के लिए जैसे के उस है, है उसके लिए कितनी अच्छा। कितनी ज़्यादा आइटम जो हैं वो बच्चे का आ, स्पैन कितना होगा अटेंशन स्पैन कि वो कितना कर सकेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं कि अब टेस्ट कितना लंबा हो टेस्ट में आइटम्स कितनी हो दूसरे नंबर पे आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कितने ऑब्जेक्टिव्स तो ये तो करिकुलर में उन्होंने डिवीजन दी होती है कि किस ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज देना है आपने तो इसके लिए आप ना करिकुलम में जो बुक्स है जो उन्होंने वेटेज यानी जो कंटेंट वेटेज करिकुलम के अंदर दी, दी हुई है उसी को फॉलो करें वो जितनी वेटेज उधर दी हुई है फर्ज कर ले अगर ट्वेंटी जो है ना वो अलजबरा का है और 30 परसेंट जोमेट्री का है तो हमें टेस्ट में भी आपने उनको कंसीडर करना है यानी उसी परसेंटेज को हमने कंसीडर करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें टेक्स्ट बुक में होती हैं ये एक्सपर्ट्स असेसमेंट एक्सपर्ट्स और साइ, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं उन्होंने एक वर्क किया होता है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को डिसाइड किया होता है कि इस चीज़ को इतना चाहिए और दूसरा ये कि एक खास लेवल के बाद बच्चे को एक खास स्किल्स आ जानी चाहिए तो वो भी डिसाइड किया होता है कि जैसे इस स्टेज तक बच्चा जो है वो अब ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करे वो एटलीस्ट इस काबिल हो कि ग्रामर की मिस्टेक ना हो अब इस स्टेज पे बच्चा जो है वो खुद से कोई टॉपिक देने के बाद वो लिख पाए तो ये चीज़ें जो है वो आपको करिकुलर की बुक में डिसाइड की नहीं। है। इसका मतलब ये है कि करिकुलम जो हमें दिया जाता है किसी भी लेवल पे किसी खास सब्जेक्ट में उसी के अंदर से कंटेंट की जो वेटेज है उसके मुताबिक कंटेंट के आइटम्स शामिल कर लिए जाएं और जो लर्निंग आउटकम्स हमें करिकुलम के अंदर दी होती हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से उनकी जो वेटेज होती है उसको हम टेस्ट में उनकी आइटम्स की वेटेज रख लें कि नॉलेज की जितनी लर्निंग आउटकम्स दी हुई है उतनी नॉलेज की आइटम्स रख लें परसेंटेज वाइज और इसी तरह कंप्रीहेंशन की और एप्लीकेशन की अच्छा डॉक्टर साहब तीसरा, तीसरा आप ये है कि आप बोर्ड के पैटर्न्स को देखें ओके क्या बोर्ड जो है वो यूली कौन से पैटर्न इस्तेमाल कर रहा है और किस चीज़ की आइटम्स जो है वो कितनी देता है और इट्स वेरी बेटर कि आप स्टूडेंट्स को बोर्ड पैटर्न से ही क्लासरूम असेसमेंट करें ताकि स्टूडेंट जब ये बोर्ड के असेसमेंट के लिए जाएँ यूनिवर्सिटी असेसमेंट के लिए जाएँ तो उनको एक्सपोयर हो उस पैटर्न का आपकी बात से तो मुझे एक आया कि बोर्ड को देख के हम टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं अगर हम टेस्ट बना रहे हैं तो हमें पता हो कि बोर्ड board... क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ से भी हम टाइम भी डिसाइड कर, कर सकते, सकते हैं ठीक है।, है अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ टिप्स हमें दें कि अगर कोई एग्जांपल आप कोई शेयर कर दें तो ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी कि एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन अगर कोई डिस्कस कर लें सबसे पहले तो ये कि आप ज़्यादा डिटेल्ड ना बनाएं टेबल ऑफ़ स्पेसिफिकेशन को जस्ट की पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें क्योंकि वो ज़्यादा आप उसमें पॉइंट्स लिखेंगे तो वो जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा ना उसको स्पेसिफ़िक करें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को इन देंस कि आप जो टॉपिक्स हैं उनको स्पेसिफिक करें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं अखलाकियात के टॉपिक में जैसे अगर आप कहें कि झूठ की एक आइटम होगी इसकी एक आइटम होगी तो आप इतनी ज़्यादा डिटेल में ना करेंगे मतलब मेक इट सिंपल इसके अलावा जो चीज़ और कंसीडर करनी है वो ये भी करनी है कि आपने टक्सोनोमी कौन सी इस्तेमाल करनी है जो आपसे सूट करती है जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी है सोलो टैक्सोनॉमी है अब आपने ये देखना है कि आपने नॉलेज जो है वो आ, उस आपके स्टूडेंट का लेवल जो है वो एप्लीकेशन से आगे एनालिसिस एंथसाइस और इन सब तक जाता है या नहीं जाता अगर तो वो स्टूडेंट इस स्टेज के हैं जैसे फाइव क्लास है या सिक्स है सेवनथ है आप हायर ऑर्डर थी स्किल्स की तरफ नहीं जाना आपने तो फिर आप उसको देखें जो आपसे रेलिवेंट है आप उसको डिसाइड कर लें उसके वर्ब्स आपको मिल जाते हैं टेक्सोनोमीज़ में दिए होते हैं इसके अलावा जो चीज़ कंसीडर करती है वो ये करनी है कि आपने चीज़ों में फोकस रहना है जब आइटम्स तैयार करनी है आइटम्स बनानी है तब भी आपने फोकस रहना है अपने ऑब्जेक्टिव्स पे अपने ऑब्जेक्टिव से आपने डेविएट नहीं करना क्योंकि वो फिर आपकी वैलिडिटी ख़राब हो जाती है आप चीज़ों में जब डेविएट करते हैं और एग्जांपल टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की जो है वो एक एग्ज़ैम्पल है वो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि कॉन्सैपचुअल अंडरस्टैंडिंग है प्रोसीजरल नॉलेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये हमारे पास बलूम uh, टेक्सोनोमी है चूंकि ये मैथमेटिक्स का टेस्ट है तो ये इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी इसकी इस तरह लिखी जाती है हाँ उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है इसके अलावा एक साइड पे आप देख रहे हैं इसे टू वे चार्ट इसीलिए कहते हैं कि एक साइड पे कंटेंट स्टैंड्स हैं जैसे ज्योमेट्री है अल्जबरा है और एक साइड पे टेक्सोनोमी है नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं इसके अलावा नीचे आप टॉपिक्स दे सकते हैं कि इस टॉपिक के फर आइटम्स होंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स का टेस्ट है तो ये इसमें स्पेसिफिकेशन उस तरह से नहीं होती अब जोमेट्री की चार आइटम्स होंगी अलजबरा की छः आइटम्स होंगी नीचे आगे वेटेज है कि टेस्ट में इनका वेटेज ट्वेल्व होगा एटीन होगा और एट दी एंड इनको टोटल करके लिखा जाता है कि कॉन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग की टोटल टेन आइटम्स होंगी और टेस्ट में उनका वेटेज इतना होगा इसी तरह प्रोसीजरल नॉलेज की आइटम्स टोटल तो जो है वो थर्टीन होंगी और टेस्ट में इनका वेटेज जो है फोर्टी परसेंट होगा फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी तरह से आप इसको थ्री सिक्स हैं नाइन है एट द एंड हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जोमेट्री की जो आइटम्स हैं ऑन द होल वो अलेवन हैं जिसमें कॉन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग भी शामिल होगी प्रोसीजरल नॉलेज भी होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी और उसका वेटेज जो है वो थर्टी फोर होगा और अलजबरे का इसी तरह 65 जो है इसका 65. सही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 32 का अगर आपने टेस्ट बनाना है मैथ का तो उसमें जो आपने की वेटेज लेनी है, जैसे की है और अलजब्रा की है, तो जो इनमें जो वेटेज है ये हमने करिकुलम से लेनी है करिकुलम से हो और हो लेनी इसी है। तरह अगर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजरल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो ये जो वेटेज है ये भी हमें

डियर uh, स्टूडेंट्स आज का प्रोग्राम कोर्स कोड 6407 क्लासरूम असेसमेंट से मतलब था और आज के प्रोग्राम में हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डिस्कस किया जो कि यूनिट नंबर टू से प्रोग्राम नंबर थ्री है तो आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल डिस्कशन की कि टेबल ऑफ़ स्पेसिफिकेशन से मुराद क्या है और उसका उसके कंपोनेंट कौन से कौन से हैं और कौन से स्टेप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम टेबल ऑफ़ स्पेसिफ़िकेशन बना लेंगे और टिप्स भी डॉक्टर साहबा ने हमसे शेयर की कि अगर इन टिप्स को भी फ़ॉलो करें तो हम अच्छा एक टेबल ऑफ़ स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका आखिर में मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको तफीक दे कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह हाफ़िज इस वक्त हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और हमारा जो एल पे हम एक आगाही पोर्टल है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम अब ऑनलाइन चीज़ें जो है सारी कुछ हो रही हैं तो इसलिए अगर कोई भी इशू दरपेश आता है तो अपने रीजनल ऑफिस से रबता करें इवन एग्ज़ाम से मुतलक भी है तो अगर बर रास्त रीजनल ऑफिस में पता कर लें शायद वहाँ पर उनके रिकार्ड में वो रिज़ल्ट मौजूद हो वह हमें उसका रिवाइज करके या सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हमें भिजवा देंगे वहाँ से फिर हमें जो उनके क्लैरिफिकेशनज़ हैं या जो हमें चाहिए होती हैं चीज़ें या रिजल्ट वेरीफिकेशन है या उसकी अपडेशन है या उसमें कोई करेक्शन है तो वहाँ से जब वो इंडोस कर देते हैं तो फिर हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन हैं वो उसको देखते हैं वेट करते हैं और एज़ पर रूल्स अगर वह है तो उसको हम रिवाइज uh, कर देते हैं तो ये बड़ा सिंपल uh, सा तरीका है वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ आई सि टी आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने लेक्चर्स को इन्जॉय कर रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं और जो मेजर डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं वो है माउस और की बोर्ड लेकिन आज हम इनपुट डिवाइसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनकी क्लासीफिकेशन क्या है और क्लासीफिकेशन में कौन कौन सी डिवाइस शामिल हैं और कैसे काम करती हैं सो लेट स्टार्ट इनपुट डिवाइसेस की क्लासीफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस जो कि कॉमनली uh, देखने में आती हैं जिसमें से नंबर वन पे है कीबोर्ड डिवाइसेस यानी जिसमें कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है नंबर टू पे है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस यानी आप उनको किसी भी चीज़ की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीन पे पॉइंट कर सकते हैं नंबर थर्ड इज़ द डिजिटाइज़र यानी आपकी जो इनपुट है वो डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है फोर्थ इज़ द स्पीच रिकग्नेशन डिवाइसेस यानी आपकी आवाज की मदद से आप कैसे कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अनदर इज़ द डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस यानी अगर आपने कोई फॉर्म कोई मैप कोई पेज कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप उसको स्कैन करना चाहते हैं यू डोंट वांट टू राइट और इनपुट दैट पर्टिकुलर थिंग और बग़ैर आपकी एफर्ट लगाए आप उसको पेज को रखें और वो स्कैन हो जाए तो वो बेसिकली स्कैनिंग डिवाइस में आता है एन अदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइसिस यानी आपके पास एक कार्ड है और उसके अंदर आपका डेटा मौजूद है जैसे कि आप ए टी एम कार्ड की बात कर रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं एनी यू जस्ट स्वाइप एड और आपका जो कार्ड है वो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा है एंड द लास्ट वन इज़ विजन बेस्ड डिवाइस यानी वो स्कैन करता है इमेज को जो कि उसके लेंस के अंदर मौजूद है और फिर इनपुट लेता है एंड देन इट रिकगनाइज आदर इट्स ह्यूमन एप्स्टिकल है या अगर आपने कोई पासवर्ड लगा रखा है जो कि आइज़ के ऊपर बेस्ड है या आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है तो वो उसको केटर कर सकता है द लास्ट कैटेगरी इज़ विजन बेस्ड डिवाइसेस यानी ऐसी डिवाइसेस जो के अपने लेंस की मदद से इमेज को कैप्चर करें इमेज आपका फेस हो सकता है या सिर्फ आपकी आइज़ हो सकती हैं या कोई ऑब्सटिकल हो सकता है और अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम फिर वो एक्ट करता है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ कीबोर्ड डिवाइसेज़ कीबोर्ड डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए जब भी आप फ़ोन लेने जाते हैं या अपना कीबोर्ड ख़रीदते हैं तो आपने क्वाटी कीपैड का नाम सुना होगा क्वाटी कीपैड यकीबोर्ड बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं वह हो Q W E R T Y यानी जो पहली लाइन है वो क्वाटी लिखा होता है वहाँ पे इसलिए उसको क्वाटी की कहा जाता है कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज़ हैं वो बेसिकली 101 जीरो कीज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं फिगर में आप देख सकते हैं कि वी हैव फंक्शन कीज़ वी हैव कंट्रोल कीज़ वी हैव एरो कीज इसके अलावा हमारे पास नंबर्स को एंटर करने के लिए भी दो ऑप्शन होती है विच वेडिज़ के आप प्रॉपर की इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लैपटॉप या फ़ोन के ऊपर हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड दे आर बेसिकली थ्री पार्ट ऑफ़ द कीबोर्ड जिसमें नंबर वन पे हैं आपके पास फंक्शन कीज़ नंबर टू पर हैं नुमैरिक कीज़ एंड नंबर थ्री आर द एल्फ़ाबेटिक हम इसको फर्दर फर्दर डिस्कस करेंगे ताकि हम जान सकें कि ये तीनों पार्ट्स क्या काम करते हैं फंक्शन कीज़ के हवाले से बात करें तो दे आर बेसिकली ट्वेल्व फंक्शन कीज़ की बोर्ड के अगर आप ऊपर देखें तो सबसे पहले आपको फंक्शन कीज़ नज़र आएंगी विच वेरीज़ फ्रॉम एफ़ वन टू एफ़ टूल्व हर की का एक अहम फंक्शन है और वो आ, किसी और की के साथ मिला के भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उसका फंक्शन जो है वो इन्हांस कर देती है आपके पास स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें F1 से लेकर F12 तक की तमाम फ़ंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एफ की बात करें तो एफ़ वन इज़ यूज फॉर हेल्प एफ टू इज़ यूज फॉर एडिट और री नीमिंग एनी फाइल एफ थ्री इज यूज फॉर सर्च एंड एफ फोर इज़ यूज टू क्लोज द फोल्डर और अ फाइल ओपन इन योर सिस्टम इसी तरह एफ टंक्शंस डिफरेंट की के साथ मिला के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इंडिविजली भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द की बोर्ड इज दुम कीज अगर आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखें तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह नंबर्स दिखाई देंगे विच वेरीज़ फ्रॉम ज़ीरो टू नाइन और इन नंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो नम लॉक है उसको ऑन करना पड़ेगा नम लॉक की लाइट कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है जैसे आप नम लॉक ऑन करेंगे तो आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी और जैसे ही नम लॉक आप ऑफ करेंगे तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी एंड यू कैन यूज़ इट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इसके अलावा जो आपकी नंबर कीज़ है वो फंक्शन कीज़ के नीचे आपके पास नंबर कीज़ भी मौजूद होती हैं आप वहाँ से भी नंबर को एंटर कर सकते हैं उन डिवाइसिस में जिसमें नुमरक की पैड अलग से नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल लेपटॉप्स हैं आपके पास आपके फ़ोनस हैं तो आप उसमें uh, जो ऊपर नंबर कीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं दर्ड टाइप इज़ दी अल्फाबैटिकल्फ़ाबैटिक की जिसका नाम से ज़ाहिर है बेस्ड ऑन ऑल द एल्फ़ाबैट्स यानी आपकी स्मॉल ए बी सी डी और कैपिटल ए बी सी डी की तमाम लेटर्स उसमें शामिल हैं आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देर इज़ अ की विच इज़ नेम एज कैप्स लॉक और कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में काम कर सकते हैं कैप्स लॉक को ऑफ़ कर देंगे तो आप स्मॉल लेटर्स में काम कर सकते हैं साथ ही साथ आपके पास एक स्पेस बार है जिसमें आप वर्ड्स के दरमियान अगर स्पेस देना चाहें तो उससे आप दे सकते हैं कीबोर्ड डिवाइसिस के बाद सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है पॉइंट इन रॉ डिवाइसिस ये ऐसी डिवाइसिस हैं जिनकी मदद से आप स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट कर सकते हैं कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल में देखें तो हमारे पास माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक लाइट पेन और टच स्क्रीन जो हैं वो तमाम की तमाम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में शामिल हैं माउस जो कि हम अपनी ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं आप भी यूज़ करते हैं मैं भी यूज़ करती हूँ माउस की कई फॉर्म्स हैं हमारे पास और माउस जो है वो कर्सर की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है कोई आइकन सेलेक्ट करना है किसी को किसी आइकन को आपने खोलना है किसी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं माउस की टाइप्स के अंदर व्हील माउस शामिल है लेज़र माउस शामिल है इसके अलावा माउस जो है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है अगर हम व्हील माउस की बात करें तो व्हील माउस जिस तरह से फिगर में गिवन है दो बटन्स के दरम्यान एक छोटा सा व्हील होता है जिसकी मदद से आप अपने पेज को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम लेज़र माउस की बात करें तो लेज़र माउस बेसिकली लेज़र का इस्तेमाल करता है जो कि नीचे के पोर्शन के अंदर अवेलेबल होती है और लेजर लाइट को सेंस करते हुए वो कर्सर की मूवमेंट करता है व्हील माउस और लेज़र माउस दोनों एम्बेडेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और सेपरेटली भी अवेलेबल हैं यानी ऐसा माउस भी होगा जिसमें व्हील भी होगा और लेज़र भी साथ में मौजूद होगी और ऐसा माउस भी हो सकता है जिसमें सिर्फ लेज़र हो व्हील ना हो सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे और आप अकॉर्डिंगली अपनी सहूलत के हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं पॉइंट इंडो डिवाइसिस की जो सेकंड कैटेगरी है वो आपके पास ट्रैक बॉल अवेलेबल है ट्रैक बॉल ज़्यादा यूज़ नहीं होती मार्केट में लेकिन इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस और ट्रैक बॉल के ऊपर आपका बेस होती है और उसके ऊपर एक बॉल एम्बेड होती है और उस बॉल को मूव करते हुए आप कर्सर को मूव कर सकते हैं एन कैटेगरी इज़ जॉयस्टिक जो कि पॉइंट इंड्रॉ डिवाइसिस में शामिल है जॉयस्टिक मोस्टली बड़े तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते बच्चों के हाथों में जॉस्टिक ज़्यादा देखा जाता है फिगर पे आपको आ, तीन टाइप के जॉयस्टिक अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट आ, गेम्स के हवाले से या कंट्रोल्स के हवाले से इस्तेमाल होते हैं मोस्टली हम अपने कॉमन यूज़ में जोस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते एनदर टाइप इज़ दी लाइट पेन या उसको इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहा जा सकता है आप मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हैं इस वक्त वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है यानी लाइट पेन है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है यानी माउस से भी ये ज़्यादा आसान है एंड यू जस्ट नीड टू टैप ऑन द स्क्रीन विद इट और आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी इनपुट जो है वो कंप्यूटर को पहुँच जाती है जस्ट बाय टचिंग इट आपको किसी भी अल्फ़ाबेट की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए और ना ही माउस की जरूरत रहती है कि आप अपने कर्सर को अप डाउन मूव करना चाहें तो द लास्ट टाइप ऑफ पॉइंट इन रॉ डिवाइसिस इज दी टच स्क्रीन और टच स्क्रीन्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रही हैं आपके घरों में मेरे घरों में और हर जगह फ़ोन्स के अंदर टैब्स के अंदर टच स्क्रीन का इस्तेमाल है टच स्क्रीन का इस्तेमाल निहायत ही आसान है जो जस्ट टच ऑन द स्क्रीन और आपके तमाम काम हो जाते हैं आपको किसी लाइट पेन किसी कर्सर की या किसी माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अलावा टच स्क्रीन के अंदर वर्चुअल की बैड एम्बेटेड होता है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं यानी अगर आप कुछ लिखना चाहें चैट करना चाहें जो कि आप फोस के अंदर टैब्स में करते हैं तो आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड मौजूद है और उसकी मदद से आप टच की मदद से अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं टच स्क्रीन का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो आपके ए में हो रहा है आपके टी वी जो हैं वो टच हो गई हैं फोन्स तो आपके हैं ही टच सो इट्स बेसिकली मूविंग टू वर्ड्स योर टच स्क्रीन और बाकी स्क्रीन अब ऑप्सिलीट हो गई हैं अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस इज द डिजिटाइजर डिजिटाइजर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो भी डेटा इनपुट करना चाहें वो आप किसी पेन या स्टाइलस की मदद से कर सकते हैं यानी जिस पेन की मैं अभी बात कर रही थी जो मेरे हाथ में है और जो यहाँ पे आप सेंटेक्स देख रहे हैं इट्स बेसिकली अ डिजिटाइजर और मुझे यहाँ पे इनपुट करने के लिए आई जस्ट नीड टू क्लिक और ड्रॉ सम लाइन्स विद द हेल्प ऑफ दिस पेन एंड आई कैन गिव द इनपुट टू माई कंप्यूटर नाउ कम्स द स्पीच रिकगनीशन डिवाइस स्पीच रिकगनेशन डिवाइस इस नाम से ज़ाहिर है ऐसे डिवाइस हैं जो कि हमारी वॉइस को हमारे अल्फाज को लेती हैं और कंप्यूटर को इनपुट करती हैं एंड देन कंप्यूटर एक्ट्स अकॉर्डिंगली अगर हम डिसेबल uh, पर्सन की बात करें तो स्पीच टेक्गनीशन उनके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है Uh, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते और अपनी स्पीच के ज़रिए वो अपने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिस तरह तो होम ऑटोमेशन का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट आपकी स्पीच के ऊपर बेस्ड है कि आप चाहें तो अपनी स्पीच के ज़रिए अपना डोर जो है वो ओपन क्लोज कर सकते हैं फ़ैन चला सकते हैं लाइट ऑन कर सकते हैं सो इट्स वेरी हेल्पफुल विद रिस्पेक्ट टू द पैरालाइज पर्सन इसके अलावा बहुत सारे रोनाउंड हैं वो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं जिस तरह गूगल का एक सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है जिस तरह नाम है हाई कुटाना और कोटाना सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी स्पीच को लेके कंप्यूटर को इनपुट करता है एंड देन यू कैन सर्च और यू कैन ओपन एनी फाइल यू वॉन्ट टू स्पीच रिकगनीशन की टाइप्स में देखें तो दे आर बेसिकली टू टाइप्स जिसमें आप सिंगल वर्ड इनपुट कर सकते हैं स्पीच के जरिए यानी येस yes और नो no के हवाले से सिर्फ इनपुट uh, होता है और मल्टीपल इनपुट यानी अगर आप कंटिन्यूस स्पीच में मौजूद हैं जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आप इसको कंटिनुअसली इसको लेके और फिर इसको प्रोसेस कर सके डेटा स्कैनिंग डिवाइस जिस तरह नाम से ज़ाहिर है के डाटा को स्कैन करते हैं यानी अगर आपके पास कोई ऐसी फॉर्म है डाटा की जिस तरह तो आपके पास बड़े बड़े मैप्स हैं या ऐसा टेक्स्ट है जो कि किसी इमेज की फॉर्म में है या किसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है और आप उसको एज इट इज़ ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर तो आप स्कैनर की मदद से कर सकते हैं स्कैनर यूज़ करना बहुत आसान है यू जस्ट प्लेस द डॉक्यूमेंट ऑन द सरफेस और आपका जो स्कैनर है वो उसको स्कैन कर लेता है जहाँ ये आसानी पैदा करता है वहाँ एक्यूरेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंक स्कैनर आपका यूज़ कर रहा है या जो बीम इस्तेमाल कर रहा है वो हाई क्वालिटी बीम हो स्कैनर की बहुत सारी टाइप्स हैं यानी अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत सारी स्कैनिंग डिवाइसेस आपको अवेलेबल हैं जिसमें सबसे पहले है इमेज स्कैनर नंबर टू पे है आपका ओ जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी कहते हैं नंबर थ्री पे है ओ जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं नंबर फोर पे है बी जिसको हम बार कोड रीडर कहते हैं नंबर फाइव पे है आपके पास एम यानी मैग्नेटिक डिस्क करेक्टर रीडर एंड नंबर सिक्स पे है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर तो देखते हैं कि ये तमाम डिवाइसेस कैसे काम करती हैं सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इमेज स्कैनर और इमेज स्कैनर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट यानी जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप मार्केट में देखें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज स्कैनर जिसको हम एक फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं यानी आप डॉक्यूमेंट एक फ्लैट सर्फिस के ऊपर रखते हैं और वो स्कैन हो जाता है एंड अदर फॉर्म ऑफ द स्कैनर इज हैंड हेल्ड स्कैनर यानी वो ऐसा स्कैनर है जो कि आप हाथ में पकड़ के किसी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं जिस तरह तो बार कोड को स्कैन करने के लिए आपने मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर देखा होगा उनके हाथ में एक स्कैनर होता है और वो उस बार कोड को रीड करने के लिए यानी इसकी प्राइस जानने के लिए क्या है उस स्कैनर को उसके ऊपर जस्ट रखते हैं और लेज़र बीम के ज़रिए जो है वो उसका इमेज कैप्चर कर लेते हैं Another important type of scanner is OCR, जिसको हम ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन कहते हैं OCR के नाम से जाहिर है कि करेक्टर्स उसके अंदर शामिल हैं इसका मतलब है कि जो गिवन करेक्टर्स है यानी जो बिट मैप इमेजेस हैं उसको आपका ओ सी आर जो है वो कन्वर्ट करता है इन टू दस्की कोड एंड देन प्रोवाइड्स टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग ओ सी आर स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करता है टू डू ऑल दिस कन्वर्जन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर क्योंकि उसमें फ़ोनस या नंबर ऑफ़ करेक्टर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है यानी ये अनलिमिटेड फ़ोनस और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ करेक्टर्स के ऊपर काम कर सकता है ओ के जो फोन नुमायाँ हैं आपके पास वो है ओ सी आर अमेरिकन स्टैंडर्ड और ओ सी जिसको हम यूरोपियन स्टैंडर्ड कहते हैं नेक्स्ट इज़ ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर ये एक ऐसा स्कैनर है जो कि पहले से मार्क किए हुए निशानों के ऊपर काम करता है जिस तरह अगर आप बात करें कि आप आइल्स का टेस्ट देने जाते हैं या आप एच ई सी का कोई टेस्ट देने जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए मुख्तफ़ टेस्ट होते हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर के अलाउ एक आंसर शीट मिलती है उस आंसर शीट के ऊपर आपके सर्कल बने होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इन सर्कल को फिल कर दीजिए फ़ॉर द करेक्ट आंसर वो शीट बाद में आपके ओ एम आर के ज़रिए रीड की जाती है और देखा जाता है कि कितने आंसर दुरुस्त हैं और कितने नहीं सो so स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ओ एम आर इज़ यूज ऑन प्री प्रिंटेड आंसर शीट्स और डॉक्यूमेंट्स जिनसे आप ये जान सकें कि जहाँ पे मार्क होगा वहाँ वो बेसिकली उसको एक्सेप्ट करेगा एज इनपुट और जहाँ पे मार्क नहीं होगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा द नेक्स्ट वन इज़ दी बार कोड रीडर नाम से ज़ाहिर है कि बार्स हैं आपके पास और आपका रीडर उन बार्स को स्टडी करता है बार्स बेसिकली आपके अल्फा एल्फानमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और हर बार की विर्थ और जो लेंथ है वो वेरी करती है एंड इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर बार कोड स्कैनर जो है वो बीम के जरिए बार कोड को रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है एंड देन इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टन वैल्यू इन योर सिस्टम बार कोड सिस्टम की बात करें तो यूपीसी इज़ दी मोस्ट वाइडली यूज बार कोड सिस्टम यहाँ पर आप यू पी सी की एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ बार कोड की मदद से नंबर्स जनरेट किए गए हैं और नंबर्स बार कोड की जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किए जाते हैं यानी मैनुफेक्चर आई डी की बात करें या स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट आई डी की बात करें तो वो तमाम का तमाम एक ही बार कोड में एम्बेड होता है नाव कम्स दी एम आई सी आर विच स्टैंड फॉर इंक कैरेक्टर एम जो है वो टिपिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है जिसमें आपके चेक्स के ऊपर चेक नंबर और अकाउंट नंबर जो है वो स्पेशल इंक के साथ प्रिंटेड होता है यहाँ पे आपको फिगर में एम आई सी आर करेक्टर सेट नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली फोटीन सिम्बल्स के ऊपर बेस्ड है यानी नंबर्स जो है वो ज़ीरो टू नाइन है और फोर स्पेशल करेक्टर्स जो है वो इसमें शामिल हैं एम आई सी आर की टेक्नोलॉजी बाकी इंडस्ट्रीज़ में कामयाब नहीं है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और सिर्फ बैंक्स इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेक दम वेरीफाई कि कौन सा चेक है और उसका अकाउंट नंबर क्या है और वो उसके ऊपर थोड़ा उभरा हुआ सा होता है सो so, उससे उसकी स्पेशल मशीन होती है इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है सेकेंड लास्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जिस तरह के हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक ऐसा रीडर होता है जो कि आपके कार्ड को रीड करता है अब कार्ड की एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारा एटीएम शामिल है हमारे क्रेडिट कार्ड शामिल हैं जिसके अंदर हमारे अकाउंट की डिटेल्स मौजूद होती हैं और जैसे ही हम उस रीडर में उसको स्वाइप करते हैं तो हमारे अकाउंट की डिटेल्स जो हैं वो उससे चली जाती हैं और आप रिक्वाड पेमेंट जो है वो उससे कर सकते हैं द लास्ट वन इज़ विजन इनपुट सिस्टम विजन इनपुट सिस्टम बेसिकली आपकी फ़ेस रेकग्नेशन या आपकी आइज रेकग्निशन या किसी ऐसे सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसमें हमें ये जानना हो कि हमारा जो एप्स्टिकल है क्या वो कोई नियर बाय है या कोई पर्सन नियर बाय है या हमने अगर लॉक लगाना है तो हम अपनी आइज़ के थ्रू अपने फ़ोन को या अपनी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं या अटेंडेंस सिस्टम अगर आप ऑफिस में देखें तो वहाँ भी ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है इट्स अ वेरी गुड सिस्टम और आपको बगैर हाथ लगाए आप अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिसर्च के हवाले से बात करें तो विजन इनपुट सिस्टम के ऊपर बेतहाशा रिसर्च हो रही है बेतहाशा काम हो रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर डिवाइस बना सकें सो हेयर वी विल एंड द इनपुट डिवाइसेस जहाँ हमने अपनी तमाम कैटेगरीज़ को थॉरली स्टडी किया आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ टिल दिन टेक केयर एंड खुदा हाफिज कचरा एक खजाना है इसको नहीं जलाना है ये कूड़े करकट की ढेरी है दुश्मन तेरी और मेरी ये कूड़े करकट की ढेरी है दुश्मन तेरी और मेरी इस कोठे का न लगा कागज का चोर जो फेंकते हैं हमारा कागज का इस्तेमाल करें माहौल को अपने साफ रखें रखें माहौल को अपने साफ एक ലല്ല 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 ലല് मेरा नाम फ़ातिम और है और मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एम फ़िज़िक्स की स्टूडेंट हूँ आज आपके सामने जो मैं प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो हमारे पास है एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्टिंग सिस्टम यूजिंग जी एंड जी एस मॉड्यूल सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के कंटेंट्स देखेंगे जिसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर सिमुलेशन एंड कोडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग ऑफ द सिस्टम इट्स एप्लीकेशंस कंक्लूजन एंड द फ्यूचर स्कोप एंड द लास्ट वी विल सी इट्स सिमुलेशन एंड कोडिंग इंट्रोडक्शन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है इस तरक्की करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे पास रोड्स हैजर्ड रोड हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं रोड हैजर्ड में हमारे पास एक्सीडेंट डिटेक्शन और अलर्टिंग सिस्टम इसमें हम जो काम करें उसमें हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास एक्सीडेंट अक्कर होता है लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ़ लैक ऑफ़ मेडिकल असटेंस फैसिलिटीज़ हमारे पास जो है बहुत सारी जानों का जाने ज़ाया हो जाती हैं हमारा प्रोजेक्ट इसी 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 मसले को मसले का एक सोल्यूशन है हमारे प्रोजेक्ट में जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो हमारे पास एटी फिफ्टी वन माइक्रो कंट्रोलर मेन है जी पी एस और जी एस एम मॉड्यूल यूज हुआ है वाइब्रेशन और शॉक सेंसर हमने यूज़ किया है और हमारे पास एल सी डी है इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है उसमें हमारे पास कील एक कोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर है और हमारे पास प्रोटियस जो है उसकी सिम्यूलेशन के लिए है सबसे पहले हम 8051 फ़िफ्टी माइक्रो कंट्रोलर को देखते हैं 8051 फिफ्टी माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास जो है लो पावर हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस 4 किलोबाइट ऑफ मेमोरी ये हमारे पास एक स्मॉल चिप है जिसकी 40 पिनस हैं और इसकी आगे डिस्क्रिप्शन भी हम देखते हैं 8051 के फीचर्स हम देखते हैं इसमें हमारे पास 4 किलो बाइट ऑफ मेमोरी अवेलेबल है 128 बाइट्स ऑफ रैम है इसकी 32 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं जिसपे हम डाटा शिफ्ट भी कर सकते हैं और डाटा इससे ले भी सकते हैं इसके अंदर 16 बिट के टाइमर्स और काउंटर्स हैं यहाँ पे हमारे पास इंट्रैक्ट आर्किटेक्चर भी मौजूद है फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट भी प्रोवाइड करती है ये और हमारे पास इसके अंदर क्लॉक सर्किटरी भी मौजूद है 8051 की पिन कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है फोटी पिन 40 हैं पिन नंबर 40 को हम वी प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ द पावर सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट एंड पिन 20 को हम ग्राउंड करते हैं पावर सप्लाई ऑफ जीरो वोल्ट हमारे पास यहाँ पे चार पोर्ट्स हैं हर पोर्ट की एट एट बिट्स हैं पोर्ट नंबर ज़ीरो पोर्ट नंबर वन पोर्ट नंबर टू एंड पोर्ट नंबर थ्री पोर्ट नंबर जीरो वन एंड टू ये हमारे पास नॉर्मल जैसे यूज़ होती हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए यूज़ होती हैं लेकिन जो हमारे पास पोर्ट नंबर थ्री है वो हमारे पास कुछ कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती है लाइक सेंडिंग ऑफ डाटा रिसीविंग ऑफ डाटा सीरियल कम्युनिकेशन इंट्रब्स जनरेशन टाइमर्स एंड क्रिस्टल उसके रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डाटा पिन नंबर 18 और 19 हमारे पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास पिन मौजूद है जहाँ पे हम क्रिस्टल लगा कर ट्वेल्व मेगा का क्रिस्टल यूज़ करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल क्लॉक साइकल्स प्रोवाइड करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट सेकेंड कम्पोनेट हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है दैट इज़ अ जी पी एस सिस्टम जी पी एस मॉड्यूल जी पी एस हमारे पास सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारे पास काम कर रहा है और हमने एक जी पी एस रिसीवर एक डिवाइस यूज की है जिसमें हमारे पास हम मैसेज uh, रिसीव कर सकेंगे जिसके थ्रू हम अपने लौंग uh, अपने अर्थ के अराउंड लेटीट्यूड और लॉन्गीड में लोकेशन भी रिसीव कर सकेंगे जी पी एस को वर्क करवाने के लिए हमारे पास करंटली थर्टी सेटेलाइट्स हैं वैसे ट्वेंटी फोर थे लेकिन

उसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास डिवाइस है एसके एम इसकी हमने अपने प्रोजेक्ट में तीन ही वायर्स यूज किए हैं दैट इज फॉर सेंडिंग ऑफ डाटा रिसीविंग ऑफ डाटा इन ग्राउंड अलॉन्ग विथ पावर सप्लाई और इसको हम ऑपरेट करवाते हैं डिफरेंट एटमल कमांड्स के थ्रू उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास है जी पी एस एस सिम नाइन हंड्रेड डी जो कि जी पी एस रिसीवर डिवाइस जी एस एम रिसीवर डिवाइस है इस पर यह हमारे पास सिम नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट करती है मोबाइल फ़ोन सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें हम यूज़ करते हैं और इसमें हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ डाटा यूज़ किया जाता है बाई यूजिंग स्पेशल कमांड नोन एज अटेंशन कमांड्स द थर्डोनेट कंपोनेंट यूज़ इन अवर प्रोजेक्ट इज़ द वाइब्रेशन सेंसर वाइब्रेशन सेंसर हमारे पास क्या काम करता है वाइब्रेशन सेंसर जैसे ही हमारे पास इसकी हमने एक थ्रेश होल्ड लिमिट सेलेक्ट की हुई है अपने प्रोजेक्ट के लिए जैसे ही एक्सीडेंट टक्कर होगा हमारे पास वाइब्रेशन सेंसर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा जैसे ही वाइब्रेशन जो है अपनी थ्रेश होल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाएंगी हमारा माइक्रो कंट्रोलर अपनी वर्किंग में आ जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर को ये जो है सिग्नल्स ट्रांसफ़र करेगा और माइक्रो कंट्रोलर जी पी एस जी पी एस को कमांड्स भेजेगा उससे लोकेशन लेने के लिए और जैसे ही वो लोकेशन जो कमांड्स हमारे पास जी से आएंगी वो माइक्रो कंट्रोलर जी के थ्रू हमारे जो हमने नंबर मेमरी में स्टोर करवाया होगा उस पर वो a, उस एस भेज देगा दैट एक्सीडेंट हैज़ अकर्ड इन द पर्टिकुलर प्लेस उसमें लॉन्नीच्यूड और लैंगनीच्यूड नॉर्थ और ईस्ट में हमारे पास लोकेशन मौजूद होगी उसके बाद वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्किंग ऑफ प्रोजेक्ट ये हमारे पास एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम है जिसके अंदर हमने एटी फिफ्टी वन माइक्रो कंट्रोलर जी पी एस जी एस एम वाइब्रेशन सेंसर और एल सी डी यूज़ की है क्या हमारे पास इसकी वर्किंग में ये है कि हमारे पास जैसी वाइब्रेशन प्रो एक्सीडेंट होगा वाइब्रेशन सेंसर के अंदर वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जाएंगी अपनी थ्रे शोल्ड लिमिट से जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जाएंगी माइक्रो कंट्रोलर के पास इंट्रप जनरेट होगा जो कि हमने अपनी मेमरी में स्टोर करवाया अपने प्रोग्राम में करवाया होगा वहाँ से क्या होगा उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास एक्सीडेंट अक्कर हो गया और माइक्रो कंट्रोलर अपनी वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा माइक्रो कंट्रोलर ने क्या काम करना है जी जी पी एस को सिग्नल्स भेजने हैं माइक्रो कंट्रोलर जी पी एस को सिग्नल्स भेजेगा कि आपने आ, यहाँ पे जो एक्सीडेंट वाइब्रेशन सेंसर ने जो हमें सिग्नल भेजा एक्सीडेंट अक्कर हो गया जी पी एस माइक्रो कंट्रोलर को अपने जी एस एम जी पी एस माइक्रो कंट्रोलर को लोकेशन भेजेगा पर्टिकुलर व्हीकल की जिसके साथ हमने ये सारा सेटअप लगाया हुआ होगा फिर माइक्रो कंट्रोलर ने क्या करना है माइक्रो कंट्रोलर ने जी एस एम के थ्रू जो नंबर हमने स्टोर किया हुआ है उसके पर डिफरेंट uh, कमांड्स को यूज करके हमारे पास उसने वहां पे भेज देना है एसएमएस भेज देना है जो नंबर हमने स्टोर किया होगा देन हमारे पास आते हैं ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है हमारे प्रोजेक्ट की इसमें हमारे पास एटी फिफ्टी वन माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेशन सेंसर्स की से जो एरो जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर की तरफ इसका मतलब यह कि वाइब्रेशन सेंसर माइक्रो कंट्रोलर को डाटा भेजेगा माइक्रो कंट्रोलर और जी भी माइक्रो कंट्रोलर को लोकेशन भेजेगा माइक्रो कंट्रोलर जी को सिग्नल ट्रांसफर करेगा जी पी माइक्रो कंट्रोलर को लोकेशन भेज देगा वहाँ पर एल पे साथ ही साथ स्टेटस भी शो हो रहा होगा लाइक सेंडिंग स्टार्ट इनिशलाइजिंग सेंडिंग ऑफ डाटा टेकिंग लोकेशन एक्सेट्रा उसके बाद जी के थ्रू हमारे पास मैसेज रिसीव हो जाएगा जो नंबर हमने माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में स्टोर करवाया ये हमारे पास सिमुलेशन है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पिन डिस्क्रिप्शन में कि हमारे पास ये एल इंटरफेसिंग हुई हुई है यूजिंग एल ऑब्जेक्ट डी ऑबजेक्ट फ्रॉ इन प्रोटियस और एटी फिफ्टी माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूजिंग रजिस्टर रजिस्टर्स हमने एल की इंटरफेसिंग करवाई हुई है यहाँ पर आप बज़र को भी देख सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे जी वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी मौजूद है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एल जो कुछ जो काम जी पी और माइक्रो कंट्रोलर करें वो हमारे पास एल हमें शो भी करवाएगी नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कोडिंग ऑफ आवर प्रोग्राम इट इज़ पे हमने क्या किया है सबसे पहले फिफ्टी uh, वन को लाइब्रेरी फाइल्स में इंक्लूड करवाया है देन हमने एलसीडी एलसीडी को इंटरफेस करवाने के लिए कमांड्स यूज की हैं उसके बाद जो मैंने को अपने प्रोग्राम में जो कांस्टेंट्स यूज करने उनको मैंने पहले से डिफाइन करवा दिया इनिशलाइज करवा दिया अपने प्रोग्राम में उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने एल सी डी के एल सी डी के ऊपर स्टेटस शो करने के लिए कुछ कमांड्स कुछ कमांड्स यूज़ की हैं जिसमें हमारे पास लेटीट्यूड में डाटा लेगा और लॉन्गिट्यूड्स में डाटा लेगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद ये मैंने सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग की है क्योंकि जी पी एस जब हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर को डाटा भेजेगा जी पी एस वो हमारे पास जो है सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू होगा यहाँ पे मैंने नाइन्टी सिक्स जब जो मेन इसकी चीज़ है वो हमारे पास ये है कि मैंने यहाँ पे नाइनटी सिक्स हंड्रेड बॉड रेट यूज़ किया है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए और इसमें हमारे पास जो कमांड कमांड यूज होगी डाटा लेने के बाद आ, अपने माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो हमारे पास जी के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर जी के थ्रू जो मैसेज भेजेगा उसके लिए जो हमने कमांड यूज करनी है वो मेन है वो हमारे पास है डॉलर साइन कैपिटल जी पी आर एम सी ये हमारे पास कमांड यू, यूज हुई है मैसेज भेजने के लिए उसके बाद यहाँ पे हमने डिले फंक्शन को कॉल कर लिया देन हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास हमने डाटा लिया है जीपीएस के थ्रू वो अब हमारे पास एलसीडी पे साथ, साथ साथ स्टेटस भी शो हो रहा है और हमारे पास जीएसएम के थ्रू हमारे पास मैसेज भी पहुँच जाएगा इन द लास्ट वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट आवर प्रोजेक्ट कैन बी यूज इन डिफरेंट कार्स ऑटोमोबील्स एंड एरोप्लेन्स फॉर द एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्टिंग इट कैन बी यूज इन मिलिट्री ऑपरेशन इट कैन बी ऑल्सो इंटरफेस विद द एयर बैग सिस्टम्स It can be also uh, used in a security and tracking system. And in the last, it can be also used in the delivery of consignments. Characteristics of our project: Number one is that it is micro-based embedded system. It is remotely accessible over GSM. It used. It is operated on single SMS commands. Uh, it locates position in longitudes and latitudes. Uh, it also provide Google Maps links. It is uh, interactive and reliable system. It is sensitive. It is also. Uh, we can also uh, use a power battery uh, for <coughs> activation of vibration sensor and other uh, modules we have used in our project. And it is a very low-cost solution to many problems. Then the future scope: how can we enhance our project? Uh, we can use a better accurate GPS for locations, for locations, and also we can use a spy camera for detecting for uh, uh, capturing the image of the driver instantly, and vibration sensor can be uh, used accurately for the detection of accident instantly. We can also use a small battery in a backup. A location can also be uh, uh, sent in the, in the form of latitudes and longitudes. Area restrictions can also be provided uh, in the memory of the 8051 microcontroller. The size of the, size of the device can be reduced and Android app in the future may be developed for the project. अस्सलाम वालेकुम जो आपने अभी हमारे पास देखा हमने एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्टिंग सिस्टम के ऊपर जो वर्क किया अब हम उसको यहाँ परफॉर्म करके दिखाते हैं या आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास ये मेरा प्रोजेक्ट है एक्सीडेंट डिटेक्शन एंड अलर्टिंग सिस्टम जिसमें हमारे पास ये हमारे पास जो है एल सी इंटरफेसिंग हुई हुई है माइक्रो कंट्रोलर के साथ और ये हमारे पास वाइब्रेशन सेंसर है और ये हमारे पास जी मॉड्यूल है जिसके थ्रू मैसेजेज़ आएंगे हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं वाइब्रेशन सेंसर को यहाँ पे हमने ये वाइब्रेशन दी हैं और अब हमारे पास ये एल सी डी पर वर्किंग स्टार्ट कर देगा एल सी डी पर हमारे पास इसने इिशलाइजिंग कर दिया है और यहाँ पे वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट अक्कर हो गया है या नहीं हुआ जैसे ही वाइब्रेशन वहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर इसमें इनिशलाइजिंग पे आ गया एल सी डी हमारे पास स्टेटस शो कर रही है कि इनिशलाइज हो गया ये इसने डिटेक्ट कर लिया कि एक्सीडेंट अक्कर हो गया और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये लोकेशन जी पी एस और जी एस एम के थ्रू ये लोकेशन लेके हमारे पास यहाँ पर एल सी डी पे शो कर देगा और जो नंबर है हम हमारे पास ये सेंडिंग कर रहा है सेंडिंग कोड थ्रू जीएसएम और यहाँ पे हमारे पास जो है जो हमने नंबर इसमें मेमोरी में स्टोर करवाया हुआ है वहाँ पर ये हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा ये हमारे पास मैसेज आ चुका है कि यहाँ पे एक्सीडेंट अकर हो चुका है इसमें हमारे पास ये हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट में लोकेशन भी बता रहा है जीएस जीपीएस से लोकेशन लेके लोंगिट्यूड्स और लैटिट्यूड में हमारे पास लोकेशन बता रहा है एलसीडी पे शो भी कर और ये हमारे पास मैसेज आ चुका है मौलायाबन अला मऊलायालकुम अलामा इकबाल ओपन यूवर्सिटी के टी वी स्टूडियो से हाफिज इब्ताम आपकी खिदमत में हाज़िर है नाजरीन शोबा हदीस वलूम हदीस के टी वी प्रोग्राम्स पेश खिदमत हैं इस सिलसिले में हम आज कोर्स कोड तीन सौ सोलह जो कि इंटरमीडिएट सतह का इस्लामियात लाजमी का कोर्स है उसके यूनिट नंबर पाँच के बारे में गुफगू करेंगे नाजरीन ये यूनिट हदीस के मुतालिक है इसमें जिन मौजूद का मताल किया जाएगा उन हदीस की और सुन्नत के मान और मफहम इसी तरह इसमत अम्बिया और हदीस की हैसियत और हदीस की हिफाजत के मुतल गुफगू की जाएगी और उसके साथ साथ चंद मनतखब अदीस का भी मुताल किया जाएगा इस मकसद के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब आप हेड हैं शोब हदीस वलूम हदीस के डॉक्टर साहब हम आपको स्टूडियोज़ में खुश आमदेद कहते हैं शुक्रिया डॉक्टर साहब गुफ्तू का आगाज़ करते हैं सबसे पहले ये जो इस यूनिट का मौजू है हदीस और हदीस के साथ एक और लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं और वो है सुन्नत तो हदीस और सुन्नत का मफहूम वाज़ फरमाइए कि आया इनका एक ही माना है या इसमें कुछ फ़र्क़ है जी हमारे तलबा के लिए एक अहम चीज़ आ, आ, ये है कि उनके जहन में हदीस और सुनत का जहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो तो वहाँ पर इनके दरमियान जो फ़र्क किया जाता है या बाज़त फ़र्क नहीं किया जाता तो ये दोनों चीज़ें तलबा के लिए ज़रूरी हैं तो सबसे पहले हम आ, इन दोनों के मफहम और इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं उसके बाद हम इनका आपस में ताल्लुक जो है उसको हम जेर पास लाएँगे तो सबसे पहले हदीस हदीस का लोवी माना बात के हैं ख़बर के हैं और इसका अलाही माना रसोल्ला सल्हलम के कौल या फेल या तकरीर इन तीनों को हदीस कहते हैं रसोल्ला वसलम ने जो इरशाद फरमाया उसको भी हदीस कहते हैं रसोल्ला सल्ह वम ने जो अमल किया उसको भी हदीस कहते हैं और जो रसोल्ला वसलम के सामने कोई अमल किया गया और आप सल्ला वसल्लम उस पर खामोश रहे तो ये तकरीर कहलाती है तो इस तकरीर को भी हदीस कहते हैं गोया के रसोल्ला सल्हम का सकूत और आप सल्ला वसलम की खामोशी ये इस बात की दलील है कि आप इसकी तोसीक़ और तस्दीक फरमा रहे हैं क्योंकि नबूवत की ज़िम्मेदारियों में से ये है कि जब भी कोई ऐसा काम जो सही ना हो खिलाफ सुन्नत हो और सही ना हो तो उसको नबी मना फरमा देते हैं तो इसलिए जो काम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ और आपने उस पर नकीर नहीं फरमाई उसको मना नहीं फरमाया तो उसको भी हदीस कहते हैं गोया के तीन चीज़ें हदीस में शामिल हैं रसोल्ला वसल्लम का कौल रसोल्ला सल्ला वसलम का फ़ेल और जो तकरीर है ये तीनों हदीस में शामिल हैं इसी तरह दूसरा लफ्ज़ सुन्नत है तो सुन्नत का लघवी माना तरीक़ा रास्ता के हैं और इसका असलाही माना में मुख्तलफ़ अकवाल हैं मुख्तल चीज़ें हैं लेकिन जो एक मशहूर इसकी तारीफ़ की जाती है वो ये है कि माओवाज़ आल नबी सल्हलम कि जिस अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्ला वसम ने हमेश की अख्तियार की हो उसको सुन्नत कहते हैं अब मिसाल के तौर पर काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो इंसान आदता करता है और काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो एक आदि मरतबा करता है तो रसोल्ला सल्ला वसल्लम ने जो काम आदतन फरमाए और जो काम मिसाल आदतन का मतलब यह है कि पानी पीना जैसे इंसानी ज़रूरियात हैं देखना चलना फिरना ये जो हर इंसान जो आमाल और अफाल करता है और इसी तरह आ, कुछ काम ऐसे हैं जो रसोल्ला व्लम ने एक आदि मरतबा किए उस पर हमेशगी अख्तियार नहीं फरमाई तो ये भी सुन्नत के दायरे में नहीं आते तो सुन्नत वो है वो अफ़ाल और वो काम है जो रसोल्ला सल्ला वसम ने हमेशा की है मतलब यह है कि जो आप सल्ला वसलम का मामूल था उसको हम सुन्नत कहते हैं ये हम फ़र्क रखते हैं तो इसमें गोया कि अब हम ये कह सकते हैं कि रसोल्ला सल्ला वम के फ़राम ये हदीस तो हैं लेकिन सुन्नत नहीं हैं सल्लल्लाहु अलैहि सल वम के जो अफ़ाल हैं उनमें से भी आ, कुछ अफाल हदीस तो हैं लेकिन सुन्नत नहीं हैं मिसाल के तौर पर जो अफ़ाल रसोल्ला सल्ला वम ने एक आध मरतबा किए तो वो हदीस तो कहलाएंगे लेकिन वो सुन्नत नहीं कहलाएंगे लेकिन तलबा के लिए एक बात ये भी जहन में रखने की है कि बाज़ा मुहदसिन ऐसा भी करते हैं कि इन दोनों को मतरादफ़ भी इस्तेमाल करते हैं कि हदीस की जगह सुन्नत का लफ्ज़ और सुन्नत की जगह हदीस का लफ्ज़ भी बोलते हैं तो ये एक हदीस और सुन्नत में एक फ़र्क है और जो तलीमत हैं वो सुनत को अख्तियार करने की हैं मिसाल के तौर पर इरशाद हैं अलैकुम बिसुन्नती कि तुम पर मेरा तरीक़ा लाजि है मेरी सुन्नत लाजम है क्योंकि सुन्नत एक कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका होता है और उसको फॉलो करना लाजम बन चुका होता है डॉक्टर साहब हदीस और सुन्नत का मफहम आपने वाज़ह फरमाया कि जिसका खुलासा ये है कि हदीस और सुन्नत जो दो लफ्ज़ हैं वो मुतरदफ़ भी इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल होते रहते हैं लेकिन बाज़ बाज़ुल बाज़ात इसमें फ़र्क भी करते हैं और वो फ़र्क़ ये है कि सुन्नत वो कहलाएगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इख्तियार फरमाई हो और जिसको कभी कभी फरमाया हो तो वो सुन्नत में नहीं आएगी जैसा कि बाज़ बाज़िल की ये राय सामने आ गई डॉक्टर साहब बात को आगे बढ़ाते हैं हदीस की अहमियत जो है और हदीस की जो हैसियत है इस्लाम में और इसी तरह अंबिया कराम की जो इस्मत का एक मौजू है उसका हदीस के साथ क्या ताल्लुक है इसकी वजाहत फरमाइए जी हदीस की अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है इसका अंदाज़ा इस चीज़ से किया जा सकता है कि क़ुरान करीम में कई मकाम पर जहाँ अल्लाह ताला की इताद का हुक्म दिया गया है तो वहाँ साथ साथ रसूल की इताद का हुक्म भी दिया गया है बल्कि यहाँ तक भी फरमाया गया है कि जो रसूल की इताद करता है तो गोया उसने अल्लाह ताला की इतात की और इसी तरह एक और मकाम पर ये भी आता है कि जो कुछ तुम्हें रसूल दे, दे दें उसको तुम ले लो और जिस चीज़ से मना कर दें उससे तुम रुक जाओ और इसी तरह ये भी है कि रसूलुल्लाह रसोल्ला वसम के हुक्म के सामने किसी को सर उठाने की इजाज़त नहीं है यानी जब रसुल्ला वसलम का हुक्म आ जाए तो उसको मिन तस्लीम करना लाजिम है इसी तरह कुरान करीम के जो मुश्किल चीज़ें हैं तो उनकी तफसीलात हमें अदीस में मिलती है बाज़ात हमें माना तयन करने में काफ़ी मुश्किल होती हैं तो वो मानी की तय वो भी रसोल सफ़ाल और रसोल वम की सीरत से हमें मालूम होते हैं तो गोया कि हम ये कह सकते हैं कि कुर करीम का समझना हदीस पर मौकूफ़ है और जब कुरान करीम का समझना हदीस पर मौकूफ़ है तो हदीस की अहमियत हमारे सामने खुल कर वाज़ हो जाती है कि गोया के अल्लाह ताला की जो मंशा है उसको समझना अदीस पर मौकूफ़ है रसोल सल्ला वम के तरीकों पर मौकूफ़ है तो ये एक अहमियत है हदीस की तो इसी तरह हदीस को अथेंटिक क्यों करार दिया गया है या इसको फॉलो करने का हुक्म क्यों दिया गया है इसलिए कि अम्बिया कराम ये जो बात करते हैं और जो इरशाद फरमाते हैं तो ये अपनी तरफ से नहीं होती किसी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं होती बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है जो उन पर वही की जाती है तो रसूल जो भी बात कहता है तो वो गोया कि अल्लाह ताला की ही बात होती है जो रसूल की जबानी इंसानियत तक पहुँचाई जा रही होती है इसी तरह रसूल जो अमल करते हैं तो वो भी ख़ता से महफोज होता है इसकी मिसाल हमें मिलती है जैसे कि रसोलम का अर्शाद है कि रही तो मुनी वसली कि तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो तो जिस तरह रसूल का कौल सच्चा होता है और उसमें किसी किस्म की आमेजश नहीं होती तो इसी तरह रसूल का अमल भी अथेंटिक होता है और मियारी होता है उसमें भी किसी किस्म की खता का एहतमाल मौजूद नहीं होता तो इसलिए अम्बिया कराम के जहाँ पर अकवाल को फॉलो करने का हुक्म है तो वहाँ पर उनके अफ़ाल को भी फ़ालो करने का हुक्म है तो इस तरह नबी मासूम अनिलखता होते हैं और वो महफोज होते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है डॉक्टर साहब आपने बड़े अच्छे अंदाज़ में हदीस की अहमियत को वाज फरमा दिया जिसमें ये बात बहुत ही काबिल गौर है कि कुरानी मजीद जो है उस पर भी अगर हम अमल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें हदीस की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं कुरान मजीद को तो मानता हूँ या उसको तो मैं अहम समझता हूँ लेकिन नाउ हदीस की कोई अहमियत नहीं है या उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो ये बात जो है बड़ी नासमझी पर मबनी है और कुरान मजीद जो है उसकी बहुत सी चीज़ें जो है उस पर अमल तभी हो सकता है जब हम हदीस को आपने सामने रखते हैं मसलन जैसा कि आपने फरमाया कुरान मजीद में नमाज़ का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो लेकिन नमाज का तरीका कुरान में नहीं है तफसील के साथ कि किस तरह से उसको शुरू करना है क्या उसके अरकान हैं किस तरह नमाज को ख़त्म करना है क्या आदाब हैं क्या शराइत हैं तो ये सारी चीज़ें तो हमें हदीस ही से पता चलेंगी बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि कुरान का कुरान होना ये भी तो हमें हदीस से ही पता चला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये कुरान मजीद है ये अल्लाह का कलाम है तो कुरान के कुरान होना यह भी हदीस पर जब मौकूफ़ है तो फिर ये कह नहीं कहा जा सकता कि हदीस की कोई अहमियत नहीं है नवाज़ुबिल्ला इसी तरह हदीस की अहमियत को कुरान मजीद में जगह जगह पर वाज फ़रमाया गया कि व वतियर रसूल कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो लक़द लकुम फ़ी नकुम्फ़ी रसूल हसना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है और उनको देख कर तुम चलो उन जैसी ज़िंदगी गुजारने की तुम कोशिश करो वमा आताकम रसूल फज़जू वमान हाक मानू फनत जो रसूल तुम्हें हुक्म दे वो तुम करो और जिससे मना करें उससे तुम रुक जाओ इसी तरह मुख्तलिफ आयात में बेशुमार आयात हैं जिनसे यह वाज होता है कि आप सल्ला वसलम के अकवाल अफाल आमाल जो हैं जिन्हें हदीस और सुनत कहा जाता है उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है इस्लाम में इसी तरह इसमत अम्बिया की बात भी आ गई कि अम्बिया कराम आम इंसानों की तरह नहीं होते कि वो नाउज़ बिल्ला कभी गलत बात करते हैं तो कभी सही बात करते हैं बल्कि वो जो है वो मासूम होते हैं और अल्लाह ताली जो है वो उनकी हिफाजत फरमाता है हर किस्म की गलती से और हर किस्म की ख़ा से इसलिए वो हर बात जो करते हैं वह बिल्कुल अथेंटिक होती है वो बिल्कुल काबिल अतमाद और बरहक होती है इसलिए उस पर आंखें बंद करके जो है वो अमल किया जा सकता है डॉक्टर साहब गुफगू को आगे बढ़ाते हैं स्मत अम्बिया की भी बात हो गई इसी तरह हदीस की अहमियत की भी बात हो गई अब एक और बात जो की जाती है वो हिफाजत हदीस से मुतक है कि कुरने मजीद को महफूज रखने चूँकि कुरान मजीद ने क़्यामत तक रहना है तो अल्लाह ताली ने फरमाया कि हम खुद इसकी हिफाज़त करेंगे और हिफाज़त हमें नज़र भी आती है कुरान मजीद के अफाज का बहुत ही अहम सवाल है और हमारे तलबा के लिए भी आ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हदीस की तदवीन और हदीस की हिफाज़त कैसे हुई देखें जब कुर करीम अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला ने उसका जिम्मा उठाया है तो इसी तरह हम अहादीस को देखते हैं तो इसमें भी अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उन लोगों के साथ नज़र आती है जिन्होंने अहादीस को जमा किया और इसको महफोज किया देखें दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है या दुनिया की कोई शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिसके अकवाल और अफाल को इस तरह महफोज किया गया और इतना अहतमाम किया गया हो कि अदीस को जमा करते करते पाँच लाख इंसानों का बायोडाटा हमारे पास असमाजाल की शक्ल में मौजूद है तो ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ तो बहरहाल अहदिश को जमा किया गया इसकी सूरतें रहीं। सबसे पहले जब कुर करीम भी नाजिल हो रहा था तो उस वक्त रसुल्ल वम के फ़राम भी सामने आ रहे थे तो उस वक्त कुछ देर के लिए एक ममानत कर दी गई कि अहादीस को ना लिखा जाए क्योंकि उस वक्त कुरान करीम नाजिल हो रहा था और ये ख़दशा था कि ये दोनों आपस में मिल ना जाएँ लेकिन जब कुरान करीम कुछ नाजिल हो गया और ये ख़तरा ख़त्म हो गया ये ख़दशा ख़त्म हो गया तो फिर अदीस को लिखने की इजाज़त भी दी गई अब आप तहरीर को देखें तो मीसा के मदीना तहरीरी शक्ल में हुआ इसी तरह सुल्हुदय बिया ये माहिदा भी तहरीरी शक्ल में हुआ और रसोल सल वसम ने ख़बा हजतल जब दिया तो एक सहाबी अबू शाह जो यमन से आए थे उन्होंने ये दरख्वास्त की कि मुझे ये खुतबा लिख लिखवा कर दे दीजिए तो आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने उसको लिखवा के उनको दे दिया इसी तरह दीगर साहब क़राम भी अदीस लिखते थे जिनमें हज़रत अबू अबूर रजील्ल्ला तु का सहीफ़ा भी मशहूर है इसी तरह हज़रतली रज़ील् तुका सहीफ़ा भी मौजूद है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरबिन रज़ी का सहीफ़ा बहुत मशहूर है इस तरह दीगर साहब कराम भी अदीस को लिखते थे जमा करते थे लेकिन साफ़ ज़रा एक जगह ये सारी चीज़ें नहीं थीं बल्कि मुख्तलफ़ जगहों पर ये चीज़ें मौजूद थी तो जब इस्लाम फैला और ये ताबिन के दौर में चूँकि रसोल स दौर में तो इर्शादात हो रहे थे और आखिर तक रसोल्ला इरशादात फरमाते रहे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अब्दुलज़ीज़ रहा ने इस चीज़ का इदराक किया कि इसको अदीस को, को जमा किया जाए तो इसके लिए उन्होंने जहाँ मुख्तलफ़ लोगों की ज़िम्मेदारी उनको सौंपी तो उनमें इबन शहाब जोहरी का नाम बहुत मशहूर है कि उन्होंने जितनी भी जमाशुदा उस वक़्त जख़ीरा था तो उसको तरतीब दिया और उसकी तदवीन की तो उनके बाद फिर जो किताबी शक्ल में जख़ीरा हमारे सामने आता है तो वो किताब आसार और मोता इमाम मालिक और मोता इमाम मोहम्मद और अबू सुफिया सॉरी राम का जो मजमू है तो ये मजमुए हमारे सामने आते हैं और फिर के बाद जो हम हमारे सामने मजमू आते हैं तो वो मुस्न्द अहमद है और मुफ़ अबिन शेबा है मुसनफ़ अब्दुलरजाक है और उसके बाद जो दौर आता है तो वो सियास्त का है क्योंकि इस वक्त तमाम जखीरा हदीस जमा हो चुका था फिर यह कि सियासत तक ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला बल्कि इसके बाद सोना बैकी बैंकी दार कुतनी और फिर इसी तरह चलते हुए हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह रहमत की कुतुब और शुरुआत हदीस में हदीस का काम हुआ फिर इसी तरह आगे चलते हुए कंजुलमाल एक बहुत ही जाम और मशहूर किताब है तो ये मुख्तलि किताबें मुदवल हुई तो ये एक तारीख है हिफाजत और तदमीन हदीस की जिसको जहन में रखना हमारे तलबा के लिए बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब हिफाजत हदीस के की तारीख के बारे में आपने बड़ी अहम गुफ्तु फरमाई कि किस तरह से जो है वो इब्ता में जो है कुछ हज़रा ने जब हदीस लिखा है चूँकि ज़ाहिर है उस जमाने में कागज़ वगैरह और आज कल की तरह ये सहूलियात मौजूद नहीं थी, तो वो जहाँ पर कुरान मजीद लिखा होता था वहीं पर साथ ही जो है वो हाशिए में या वो हदीस भी लिख दी जाती थी लेकिन यह है कि उसमें फिर यह ख़रा मौजूद था कि वो आपस में जो है वो मिक्स ना हो जाए ख़लत मलत ना हो जाए कि उनमें इम्तियाज़ ना हो सके लेकिन जब कुरान मजीद का उसलूब जो है वो लोगों पर अच्छी तरह वाज़ हो गया और पता चल गया किन मजीद का जो एक ख़ास तर्ज है और एक अंदाज़ है तो फिर उसके बाद ख़ुद ने भी हुम फरमाया कि मुख्तलिफ चीज़ों को लिखने का हुक्म दिया लेकिन लिखने से के अलावा लिखने से भी ज़्यादा उस दौर के जो हजरात थे उनका हफ्जा इतना मज़बूत हुआ करता था कि उनको जो है वो बरसा बरस की चीज़ें जो है वह याद होती थी और इसी वजह से जो है वो बहुत से लोग लिखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं किया करते थे तो हिफाजत हदीस जो है वो लिखने के ज़रिए उसकी भी इब्तदा आप के ज़माने में ही हो गई थी लेकिन ये है कि उससे भी बढ़ कर जो है वो बिल्कुल इब्तः इस्लाम से ही लोग अपने सीने में जो है वो इसको महफूज किया करते थे और ये बात भी इसमें बड़ी अहम है कि आप के सामने जब एक सबी रजील् जो कि कसरत से अदीस लिखा करते थे हज़रत अब्दुल्ला इबन आमर इबिनज़ीम तो कुछ सब ने या कुछ हजरात ने उनको मना फरमाया कि आप हर बात ना लिख लिया करें क्योंकि वसल्लम जो है वो भी एक इंसान है तो कभी गुस्से में होते हैं कभी वो खुशी में होते हैं तो हर बात शायद लिखना मुनासिब ना हो तो आप वसल्लम ने जो है वो अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ कर जो है वो इर्शाद फरमाया कि इससे हक़ के अलावा कुछ नहीं निकल सकता इसलिए आप जो है वह बेश हर बात को आप लिखा करें और इसके साथ साथ हदीस को आगे फैलाने की जो अहमियत है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत जो है वो पुरकशिश अंदाज़ में उसकी तरगीब दी और फरमाया कि नज़र इमरान समिया मकालती सिया सुम्मा लतीीफ़ कमा समिया और अम क़ाल आल्लाम कि अल्लाह ताली तरोताज़ा रखे अल्लाह तुश व खर्म रखे उस आदमी को जो कि मेरी किसी बात को सुने उसको महफूज करे और फिर उसको आगे पहुँचाए कितनी बड़ी बात है आप सल्लम खुश व ख़ुर्म रहने की तरोताज़ा रहने की दुआ दे रहे हैं उस आदमी को जो कि हदीस की हिफाजत करे और उसको आगे पहुँचाए लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पहलू भी बड़ा अहम है कि हम हदीस को जो है वो जो सही हदीस हो उसी को जो है वो हम आगे नकल करें उसी को जो है वो हम आगे बयान करें अगर खुदा न जो है वो हमने कोई ऐसी बात आपली वसम की तरफ मनसूब कर दी जो 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 आप वसलम नहीं है तो ये भी बड़े ख़तरे की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन मनकज़ा बलैम्मिदन फली तब्वा मक़ादा उमिन नार ओके कि जिस शख्स ने जान कर जो है वो मेरे ऊपर झूठ बोला या मेरी तरफ झूठी बात को मनसूब किया तो वो तो अपने ठिकाना जो है वो जहन्नुम में बना ले तो इसलिए इसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो मुख्त पोस्टें आ रही होती हैं मुख्तलिफ़ मैसेज आ रहे होते हैं जिस नीचे लिखा होता है कि हदीस है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तो कोई आम आदमी जो है वो भी इस बात को गवारा नहीं करता कि उसकी तरफ़ झूठी बात को मनसूब किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत बुलंद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमा भी दिया कि ऐसा करना गोया कि अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाना है इसलिए हदीस आगे नकल करने से पहले बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम बगैर रेफरेंस के बग़ैर हवाले के कोई हदीस आगे जो है वो जिक्र ना करें और कोशिश ये करें कि नकल करने से पहले उसकी कहीं से तस्दीक कर लें कि वाकई हदीस है इसे नकल करना चाहिए या नहीं वैसे कोई अच्छी बात हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक अकवाल ज़रिए है ये एक दानिशमंदी की बात है इस हवाले से भी हम नकल कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं होता कि किसी न किसी की तरफ उसको मनसूब किया जाए और फिर उसमें हम खाम खा जो है वो ना चाहते हुए झूठ बोलने के मृतकब हो जाए डॉक्टर साहब हदीस की हवाले से ये बात आई कि झूठी हदीसें हमें आगे नहीं फैलानी चाहिए तो फिर उसमें हमें जो सही अदीस हैं जो सल्लम के इरशादत हैं और जिनकी हिफाज़त का पूरा बंदोबस्त किया गया तो उनका मुताल करना यह भी बहुत ही अहमियत रखता है तो इस सिलसिले में हम आप कुछ हदीस मुबारक़ा जो हमारे निसाब में शामिल हैं वह सलेबस की एक बुक का हिस्सा हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हदीस मुबारक है आप सरशाद ग्रामी है इन नमालब्न्नी यात व इनमकानवाकमाकालसलात वसल्लाम इस हदीस की थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए जी ये बहुत ही अहम हदीस है और इस हदीस को कई अहादीस का खुलासा भी कहा जा सकता है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ़ इस बात से लगाया जा सकता है कि इमाम बुखारी रहा ने अपने सही बुखारी की इब्तिदा ही इसी हदीस से की है बुखारी की पहली हदीस यही है इनमल आमाबिनिया इसको सबसे पहले इसलिए जिक्र किया कि कोई भी अमल है तो उस कर के करने से पहले इंसान की नीयत को देखा जाएगा अगर इंसान की नीयत दुरुस्त है तो फिर चाहे अमल में कमी कोताही हो जाए तब भी उस पर उसको अजर मिलेगा लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है तो फिर चाहे बड़े से बड़ा अजर है चाहे वो नमाज है रोज़ा है हज है जक़़त है के जिहाद जैसा अमल और हिजरत जैसा अजीम अमल भी आ, उसकी आ, अजर और सवाब नहीं होता बल्कि उल्टा वो वाल जान हो जाता है डॉक्टर साहब यकी नीयत की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि अगर हम कोई नए काम भी करते हैं लेकिन हमारी नीयत ठीक नहीं है तो उस पर ख़तरा है कि हमें स्वाब मिलने की बजाय उल्टा गुना होगा मिसाल के तौर पर अल्लाह की राह में खर्च करना ये कितना नेक अमल है किसी की मदद करना अपने माल के ज़रिए बहुत बड़ा नेक अमल है इसके बेशुमार फ़ाइल कुरान मजीद में हदीस में है लेकिन अगर किसी का मकसद जो है वो किसी के साथ भलाई करना करने से जो है वो अल्लाह की रज़ा नहीं है अल्लाह को राज़ी करना मकसूद नहीं है बल्कि उस पर एहसान जितलाना एहसान चढ़ाना या कोई दुनियावी मकसद है तो फिर जो है वो उसको उसका सवाब और जो अजर है वो नहीं मिलेगा और इससे एक दुनियावी लिहाज से भी ये होता है कि हम किसी के साथ भलाई करते हैं और उसमें कोई दुनियावी मकसद होता है और फिर वो मकसद हासिल नहीं होता तो हमें उल्टा तकलीफ़ होती है कि यार मैंने एहसान किया था लेकिन अगले आदमी ने जो है वो मुझे उसका बदला नहीं दिया तो जब अल्लाह की रजा मकसूद हो तो फिर इस तरह की तकालीफ से भी इंसान बचता है डॉक्टर साहब एक और बड़ी अहम प्यारी हदीस है आपशाद मुबारक जिक्र किया गया है कि रसोल्म खुद फरमाते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं अखलाक हैं अली तरीन अखलाक हैं आप खुद भी जो है वो उसका मुजस्मत है और इसी तरह आप की जो तालीमत है उनमें भी हमें यह चीज़ नज़र आती